चलो चलो बच्चों, यहाँ पे एक पार्टी एंजॉय है जहाँ पे कोई भी बच्चा आएगा और यहाँ पे गेम खेला जाएगा। जो जीता इसमें रिंग डालने होंगे बिल्कुल तीनों। जो जीत गया उसको टॉफी मिलेगी। बच्चे ने बोला, यार हाँ मुझे जाना चाहिए, पहले मम्मा से तो पूछ लूँ। मम्मा से नहीं पूछा तो फिर मम्मा अपना किचन का काम में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थी, मम्मा को कभी टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फिर बच्चे ने बोला, मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ, इससे पूछो तो मैं वो चमट मानेंगे, मैं अकेले घर से भाग जाती हूँ। बच्ची चले गई बाहर। फिर बॉस ने बोला, जल्दी जिसको आना है आओ यहाँ पर। बच्ची ने बोला, चलो बॉस बॉस अब आप मुझे कोई गेम बताएं। बॉस ने बोला, ये लो बेटा ये तीन रिंग है, जिसने भी इसमें डाला तीनों रिंग वो जीत गया और उसको टॉफ़ी भी मिल जाएगी। फिर बच्ची ने बोला, ठीक है मैं इस गेम को पूरा करके ही रहूँगी। फिर बच्ची ने उस गेम के तीनों रिंग्स निकाल के और फिर स्टार्ट किया। बॉस ने बोला, इस गेम को जो भी जीतेगा। बच्ची ने बोला, ठीक है मैं जीतूँगी। फिर एक दफ़ा उसने रिंग डाला, नहीं गया। दूसरी दफ़ा वाला नहीं गया, तीसरी दफ़ा भी नहीं गया। वो बच्ची बिल्कुल ही ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसका एक रिंग भी नहीं गया था। और फिर उसके बाद बच्ची परेशान, बच्ची ने बोला, मैं अब इस गेम शो में नहीं आऊँगी। फिर उसके बाद बॉस ने बोला, तुम्हें तो पता है मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी इस गेम में नहीं जीतेगा उसकी सजा कत्ल है, उसको मारा जाएगा, मारा और किडनैपर से हाथ से। तो फिर बच्ची ने बोला, नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रही हूँ भाग कर। फिर बच्ची जल्दी जल्दी से भागने की कोशिश कर, बच्ची भागने के लिए जा रही है। बॉस ने बोला, जाओ सारे किडनैपर इसे पकड़ लो और इसे कहीं भी गेट से बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि ये गेम में हारी थी। और बॉस ने सारी बात आंखें हाथ पांव सारे काट देंगे इसके। फिर बच्ची ने बोला, नहीं मम्मा बचाओ, अरे इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं नहीं बचाओ बचाओ बचाओ, अरे रुको रुको रुको, अरे प्लीज़ मुझे कहाँ छुपूँ मैं, अरे हाँ यहाँ छुप जाती हूँ, अरे बेटी कहाँ गई मेरी, अभी तो यहीं पे थी, लगता कहीं चली गई, जाके देखती हूँ, अरे ये यहाँ क्या कर रही है, कहाँ चली गई यार ये, वो रही। फिर मम्मा मम्मा मेरे पीछे किडनैपर रखे हुए, वो जैसे वो ऐसा हुआ। फिर इसके बाद बच्ची माँ ने बोला, तुम मेरी बगैर इजाज़त से भाग गई, ऐसे ताला वाला सब लग जाएगा। माँ ने उसे पकड़ के ले गई घर पर। और फिर बॉस परेशान, बॉस ने बोला, ये आज मेरे घर से निकल गई है, इसको तुम मौज करेंगे, सारे काटो, तुम लोगों ने क्या किया यार ये, उसको कैसे निकाल दिया, अरे अरे हम क्या करें भाई। तो आपको किसी की भी इजाज़त से बाहर नीचे नहीं जाना चाहिए, और जो भी नीचे बाहर इजाज़त गया तो फिर किडनैपर उसे पकड़ लेते हैं। तो आप इस कहानी से कुछ सीखें, ठीक है ना। और फिर इस कहानी अच्छा यही है, और बच्ची बहुत ही ज़्यादा रोने लगे। लाइक सब्सक्राइब गुड नाइट।